हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करते हैं। और आज मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप बहुत अच्छा बेनिफिट कर सकते हो शेयर मार्केट में। और मैं आप लोगों को चार्ट को रीड करना सिखाऊंगा कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं और कहां पे ख़रीदना चाहिए और कहां पर बेचना चाहिए। और ये बिल्कुल मैं बहुत ही सीधे और सरल भाषा में आपको बताने का कोशिश करूँगा, इजी टू अंडरस्टैंड रहेगा, जो कोई भी समझ सकता है। लेकिन जब समझ जाओगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट भी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर वन, हमें किसी भी स्टॉक को ख़रीदने से पहले उसका चार्ट देखना पड़ता है। चार्ट देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट क्यों देखना पड़ता है वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि चार्ट एक काइंड ऑफ चार्ट होता है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कप एंड हैंडल, ठीक है। कप एंड हैंडल चार्ट को देख के आप पता लगा सकते हो कि कहाँ पर हमें ख़रीदना चाहिए और कहाँ पर हमें बेचना चाहिए। क्योंकि आप जब तक चार्ट को रीड करना नहीं सीखोगे तब तक आपको लॉस ही होता रहेगा। लेकिन चार्ट को रीड कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊँगा, बहुत ईजी तरीका है दोस्तों, ठीक है। कप का मतलब क्या होता है कि घर में जो आप चाय पीते हो उसको कप बोलते हैं। हैंडल का मतलब जिस तरह जिससे आप कप को पकड़ते हो उसको हैंडल बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा एग्जांपल के तौर पे आपके सामने मैंने कप एंड हैंडल चार्ट लगाया दोस्तों। कप एंड हैंडल चार्ट का मतलब होता है कि इस तरह से यू शेप में जाना और फिर ऐसे बाउंस बैक लेके ऐसे जाना, ठीक है। आपने देखा किस तरह ऐसे करके ऐसे लेना, फिर ऐसे करके फिर ऐसे जाता है ऊपर, ठीक है। तो उसी तरह आपने कई बार स्टॉक देखा होगा ऐसे कैसे करके जाता, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों कप एंड हैंडल चार्ट में। और आपको और भी एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। और मैं आपको ये एग्जांपल ही नहीं दिखाऊंगा, रियलिटी दिखाऊंगा कि ये होता है और 100% होता है भाई, ठीक है। तो यहां पर देख लो भाई, मैं आपको बता देना चाहता हूं और भी बहुत, ये देख लीजिए, ये आपको बहुत सुंदर और बहुत क्लियर तरीके से बता दिया गया है कि ये देख लो, ये कप है, ठीक है। ये नीचे आया तो ये क्या है, ये हैंडल है। अब बोलोगे दोस्तों कि हाँ, ये तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जब, एक मिनट और अच्छी तरीके से मैं आपको समझा देना चाहता हूं, ठीक है। जब ये स्टॉक का कोई भी चार्ट होता है, जब ये ऐसे करके ऐसे होता तो सोच लीजिए प्राइस बढ़ने वाला, ठीक है। अब जब ऐसे करके ऐसे जाएगा उल्टा, जब कप उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा, लॉस होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब कप ऐसे बना रहा तो हमें क्या होने वाला था, प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन कप अगर उल्टा बना देगा तो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब बोलोगे कि प्रूफ करके दिखाओ भाई, बिल्कुल मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको उल्टा कप मुझे ढूंढ लेने दीजिए। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने, देखिए इसमें बताया गया है कि उल्टा कप है, ठीक है। ये भी है, ये भी है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, फर्स्ट वाले में, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए कप का, यहाँ पर आपको बताया गया ना कप, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कप एंड हैंडल चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर देख लो, ये कप क्या हो गया, उल्टा हो गया। उल्टा होने के बाद देखिए थोड़ा ये हैंड, ये देखिए ये कप बनाया, कप बनाने के बाद ये हैंडल बनाया, हैंडल बनाने के बाद कहाँ गया, मैं लॉस दे दिया, ठीक है। डाउनफॉल में गया ना स्टॉक, डाउनफॉल में गया। अब बताता हूँ मैं आपको रियल एग्जाम्पल कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। और एग्जाम्पल तो दोस्तों मैं बहुत भयानक लेने वाला हूँ जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। यस बैंक, अब बोलेंगे भाई यस बैंक तो डूब गया, कैसे पहले पता करते अगर आपने खरीदा था। तो ये लीजिए, यस बैंक पे मैंने क्लिक किया, इसका चार्ट ओपन किया, आपके सामने मैंने चार्ट ओपन किया, ये देखो भाई, ठीक है। ये क्या है दोस्तों, यस बैंक है, ठीक है। यस बैंक का चार्ट आप लोगों के सामने, मैं आपको वन ईयर का चार्ट आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वन ईयर से ज़्यादा हो गया भाई, तो ये देखिए मैं आपको वन ईयर का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कब ये जो है अपोजिट बनाया था कप एंड हैंडल। तो ये लीजिए दोस्तों, यस बैंक का चार्ट में आप लोगों के सामने जो है सेट कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ यस बैंक, और देख लीजिए यस बैंक कितनी बुरी तरीके से गिरा है। हमें यूज़ क्या करना है, किस डेटा को, मतलब कौन से ट्रिक को यूज़ करना है, कप एंड हैंडल, ठीक है। अब ये मैंने आपके सामने बनाया कप, ये देख लो कप, और ये कप बनने के बाद यहाँ पर हैंडल बना दोस्तों, ये जो है ये हैंडल बना। हालाँकि दोस्तों मुझे और इसको जूम करके आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, जूम करना पड़ेगा। ये देखिए मैंने जूम किया, अगर मैं इसको और जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एक हैंडल जैसा बन रहा है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये कप बना, कप बनने के बाद ये हैंडल बना, ठीक है। और जैसे ही हैंडल बना दोस्तों, इसके बाद देख तो स्टॉक में कितनी बड़ी गिरावट हुई है, कितनी बड़ी गिरावट हुई है, गिरावट हुई कि नहीं हुई। तो ये होता है दोस्तों स्ट्रैटेजी, आपके सामने यूज़ करके मैंने दिखाया कप एंड हैंडल, जो अपोजिट वाला होता है, ठीक है। देखो अच्छे तरीके से,
और यहाँ पर देख लो दोस्तों, मैंने चार्ट को फिर से एक बार अच्छी तरीके से सेट किया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। ये देखो ये कप बनाया, कप बनाने के बाद ये हैंडल बना दिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, जैसे ये कप एंड हैंडल का प्रोसेस पूरा करता है कोई भी स्टॉक, तो उसका प्राइस क्या होता है, नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कप एंड हैंडल बनाने के बाद नीचे जाना स्टार्ट हो जाता है। और देखते हैं अभी हम कि इसका अपोजिट प्रॉफिट कैसे होता है। और यही नहीं, जब स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है दोस्तों, जब स्टॉक गिरना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर देखिए आपको ये भी बताया जाता है टारगेट वन और टारगेट टू। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कप एंड हैंडल चार्ट को प्रोसेस किया, ठीक है, मतलब पूरा किया दोस्तों। ये देखिए कप एंड हैंडल चार्ट को जैसे प्रोसेस किया, यहाँ पर ये देख लीजिए टारगेट वन रखा गया, क्योंकि दोस्तों स्टॉक गिरने वाला था। कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक टारगेट वन रखा गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से यहाँ टारगेट टू रखा गया, क्या करने के लिए, गिरने के लिए, क्योंकि ये देखिए कप एंड हैंडल को अपोजिट बनाया था, ठीक है। तो ये देखिए सारा प्रोसेस आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कप एंड हैंडल चार्ट था जो आपको पता ही रहना चाहिए कंपलसरी भाई, अगर ये नहीं। और ये देख लीजिए, मैं आपको ये दूसरा कप एंड हैंडल चार्ट दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये छोटा सा और सिंपल सा तरीके मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। ये कप एंड हैंडल चार्ट देखिए, हाँ आपको स्टॉक के किसी भी स्टॉक के चार्ट को रीड करना पड़ेगा बहुत ही अच्छी तरीके से, जैसे कि मैंने यस बैंक फाइंड आउट किया दोस्तों बहुत ज़्यादा देखने से, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये स्टॉक ऐसे कब बनाया, ये छोटा सा हैंडल बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए हैंडल बनाया, डबल हैंडल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इक्वल हुआ, और उसके बाद देख लीजिए स्टॉक कहाँ चला गया, अप ट्रेंड में चला गया। दो चीज़ आपको नोटिस करना, एक तो अगर जो भी स्टॉक आपको प्रॉफिट देने वाला है उसमें आपको नोटिस क्या करना है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ स्टॉक अप ट्रेंड में रहना चाहिए, और दूसरी बात कप एंड हैंडल चार्ट बनाना चाहिए, वो भी कैसे बनाना चाहिए आपको, मतलब स्ट्रेट बनाना चाहिए, ठीक है, ऐसे करके बनाना चाहिए, ठीक है। और ऊपर से कैसे रहना चाहिए, अप ट्रेंड में, स्टॉक अप ट्रेंड में ही रहना चाहिए। फाइनली मैं आपको बेस्ट एग्जांपल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए सब कुछ आपके सामने, ठीक है। ये स्टॉक, ये चार्ट को मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है भाई। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया, इसने क्या बनाया, एक कप एंड हैंडल छोटा सा बनाया, ठीक है, छोटा सा बनाया। बनाने के बाद कहाँ गया स्टॉक, ऊपर देखिए धड़ 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 धड़, देखिए स्टॉक का प्राइस देखिए धड़ धड़ ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन ये फाइनली कौन से ट्रेंड में था दोस्तों, स्टॉक अगर हम देखें तो फाइनली ये अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था कि नहीं था। तो ऐसे स्टॉक पर आप को ध्यान देना है जो आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न दे सके, ठीक है दोस्तों। और देखिए मैंने ये वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाया। अब कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे, जो आपने दिखाया वो तो लॉस वाले दिखाया कि कैसे हम लॉस को आइडेंटिफाई करें, लेकिन कैसे हम प्रॉफिट को आइडेंटिफाई करें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये स्टॉक का नाम आपके सामने है बजाज फिंसर, ठीक है। इसका चार्ट हम अभी स्टडी करेंगे भाई, बहुत ध्यान लगा के सुनिएगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक करना मत भूलिएगा भाई, लाइक करने में कैसी कंजूसी, ठीक है, उसमें आपको पैसा तो लगता नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑटोमेटिक आपके सामने क्या आ चुका है दोस्तों, चार्ट आ चुका है, ठीक है। बजाज फिंसर का आपके सामने चार्ट आ चुका है, और इसमें मैं आपको कप एंड हैंडल चार्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ देख लीजिए सबसे पहले दोस्तों, इसने कप एंड हैंडल चार्ट बनाया, यहां पर ये प्रोसेस में बनाया, ठीक है। थोड़ा सा मुझे जूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम नोटिस करें दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिए इसने कब बनाया, यहाँ पर एक मिनट दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको चार्ट अच्छे तरीके से दिखाना है। यहाँ पर देख लीजिए एक कब बनाया, छोटा सा हैंडल बनाया, ठीक है। एक कब बनाने के बाद छोटा सा हैंडल बनाया, हैंडल बनाने के बाद दोस्तों देखिए कितना ज़्यादा स्पीड से स्टॉक ऊपर गया है, अपर सर्किट मारा। ये कहीं पर भी बना रहा था दोस्तों, यहाँ पर भी देखो कप एंड हैंडल यहाँ बनाया, कप एंड हैंडल यहाँ पर बनाया। उसके बाद से इसमें देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो ये एक मिनट, हाँ ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने कब बनाया, और ये जो प्रोसेस था यहाँ पर हैंडल बनाया, ये चीज़ को नोटिस करिए, यहां पर नोटिस करिए, ठीक है। यहां पर हैंडल बनाया छोटा सा, और हैंडल बनाने के बाद इसमें देख लीजिए कितना अपर सर्किट आ गया। यहां पर देख लीजिए दोस्तों, स्टॉक 6000 के आसपास था, चला गया था यहां देखो 7600 के आसपास। तो इतना बड़ा स्पीड आया, ये मैं आपको कम से कम 5 या 4 ईयर का दिखा रहा हूं चार्ट, इसमें आपको आइडेंटिफाई करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो ये होता दोस्तों छोटा छोटा सा प्रोसेस जो आपको रीड करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। और देखिए उसके बाद इसने दोस्तों एक अपोजिट कप बना रहा, ठीक है, ये एक अपोजिट कप बना रहा, ठीक है। ये देखिए अपोजिट कप बना रहा, लेकिन अभी तक हैंडल नहीं बनाया, ठीक है, हैंडल नहीं बनाया। तो अगर हैंडल बना देगा दोस्तों यहां पर, ऐसे हो सकता है फिर उसके बाद गिरावट होगी, लेकिन अगर हैंडल नहीं बनाएगा तो हो सकता है ये स्टॉक आपको अपर सर्किट में देखे। तो ये चीज आपको स्टडी करना पड़ेगा, तो जाके आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोज हैं, मैं आपको इंफॉर्मेशनल वीडियो ला के और एजुकेशनल वीडियो ला के देता रहूंगा। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।